ऐसे करके 25,000 स्टार्टिंग में आते थे, बट धीरे 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 अगर आपके अंदर में डिटर्मिनेशन रहता है, अगर आपके दिमाग में केवल ये रहता है कि हाँ मुझे कोई चीज़ करनी है, तो फिर आप उस चीज़ को कर जाते हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एफजी लॉकेट। आज हमारे साथ पवन रेले सर हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर से हम ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि आपको एज अ लॉ स्टूडेंट आपके मन में क्वेरीज आते हैं, तो हम सर से डायरेक्टली ऐसे सवाल पूछेंगे सो दैट आपको उनके आंसर्स मिल जाएं। तो सर आपने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से अपना लॉ कंप्लीट किया जी, तो जो आपका दिल्ली तक का जर्नी है लिटिगेशन का, क्योंकि जो नॉन दिल्ली के बच्चे होते हैं उनके मन में एक फियर रहता है दिल्ली आने का, और कैसे अपने आपको अपने लिटिगेशन में इतनी जल्दी एस्टैब्लिश करा, सिंस आप एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को। जैसे मैंने 2015 में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर से मैं पास आउट हुआ, और हमेशा से मेरी इच्छा थी कि मैं लिटिगेशन में जाऊंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा। लिटिगेशन इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, द करेक्ट एक्सप्रेशन टू बी यूज्ड इज प्रैक्टिस। तो मैंने सोचा कि मैं प्रैक्टिस करूंगा, फिर मुझे कुछ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी मिले। ओके, लेकिन मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने उनको छोड़ा और मैं दिल्ली आया। जो सबसे बड़ी एक क्वेरी रहती है कि कितना पैसा मिलना चाहिए, एंड जैसा हार्ड रियलिटी, हार्ड मैं कहूँगा और हार्श रियलिटी भी कहूँगा, कि सबसे पहले जो पैसा मिलता है वो मुझे जो मिला था वो स्टार्टिंग में 10,000 रुपये मिला था, और 10,000 रुपीज़ से फिर मैंने स्टार्ट किया काम धीरे धीरे यहाँ पर उनको ज्वाइन करके। फिर जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट की, तब मुझे लगा कि मुझे ट्रायल कोर्ट का काम सीखना भी बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने कुछ इस तरीके से काम किया कि मैं ट्रायल कोर्ट में काम करता था 10 से लेकर 6 बजे तक, फिर 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास देता था और इंग्लिश की क्लास देता था, और फिर 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं रात में सुप्रीम कोर्ट के काम की ड्राफ्टिंग करता था। तो ऐसे करके 25,000 स्टार्टिंग में आते थे, बट धीरे 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 अगर आपके अंदर में डिटर्मिनेशन रहता है, अगर आपके दिमाग में केवल ये रहता है कि हाँ मुझे कोई चीज़ करनी है, तो फिर आप उस चीज़ को कर जाते हो। दूसरा जो मुझे लगता है सबसे बड़ा एंगल कि लॉ स्टूडेंट्स में और कोई भी स्टूडेंट में, जब वो पास आउट होते हैं अपने लॉ स्कूल से या किसी और स्कूल से, एमबीए कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक सेल्फ ईगो जागना स्टार्ट हो जाता है कि अब 5 साल हो गए हैं, मैंने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया है, तो अब मुझे पैसे नहीं लेना है। और इस वजह से फिर वो जो दूसरी स्ट्रीम है, जैसे लॉ में अगर आप देखोगे कि कॉरपोरेट है, एनजीओज ज्वाइन कर लेते हैं कुछ बच्चे इसी मंशा से कि उनको अपने पैसे, पेरेंट्स के पैसे और अपने पेरेंट्स के और बहुत ज़्यादा पैसे उनको खर्च नहीं करने हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप प्रैक्टिस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप 2 साल और पैसे ले लीजिए, आप 2 साल अपने पेरेंट्स पे और बर्डन बन जाइए। मैं कहता हूँ कि 2 साल आप और सेल्फिश बन जाइए, 2 से 3 साल अगर आप सेल्फिश बन जाओगे तो आपको उन 3 सालों में वो मिलेगा जो आप फ्यूचर में सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आप कॉर्पोरेट में सच में इंटरेस्टेड हैं कि आपको कॉर्पोरेट में जाना है, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन मर्जर एंड एक्विजिशन, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन एंटी कॉम्पिटिशन लॉज, तो डेफिनेटली आप कॉर्पोरेट में जाइए। लेकिन अगर आपका उद्देश्य केवल ये है कि आपके ऊपर लोन है, आपको पैसे कमाना है, और इस वजह से आप पैसे की मजबूरी की वजह से अगर आप किसी और फील्ड में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हम एक स्टेज के बाद में आफ्टर 4 to 5 years हम अपना करियर को स्पॉइल करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, देयर आर सर्टेन बाउंडेशन और कंपल्शन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू वेंट टू दैट प्रोफेशन। तो मुझे लगता है कि आप 3 साल और सेल्फिश बन जाइए, और उस 3 साल में आप इतना कुछ कर लेंगे जो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा। 2-3 साल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, बट हाँ आप डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ओके, तो सर आप एक बात बताइए, जैसे आपको पीपीओ मिला था, तो ऐसा क्या करना चाहिए इंटर्नशिप में बच्चे को सो दैट पर्सन कैन एक्चुअली स्टैंड आउट? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, और कि बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या आप इंटर्नशिप के दौरान करो कि आपको जॉब मिले, और या फिर आप उस ऑफिस में आप एक वो आपकी इंटर्नशिप जॉब के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए, जॉब का एक सिंपल सा फंडा है किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए, और कोई और फील्ड में भी, सारी फील्ड में ये एप्लीकेबल होगा। जॉब का सबसे पहला फंडा है कि आप जहां पर भी एज ए इंटर्नी जा रहे हैं, आप अपने मेंटर के काम को, आप अपने बॉस के काम को ईज कीजिए। आप अगर ऑफिस में बर्डन बन जाते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं इंटर्नशिप करते हैं, फिर वो मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कल कौन सा केस लगा है, परसों कौन सा केस लगा है, दे डिड नॉट एग्जॉस्ट द ऑल्टरनेटिव
forums, I will say, alternative options, I will say. That's true. They could have consulted my associates, they could have consulted the office clerk. और आप जब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप बर्डन ही बन रहे हैं मेरे ऊपर, उस टाइम पे मैं फर्स्ट दिमाग मेरी फर्स्ट साइट में ही मेरे दिमाग में ये बन जाएगा कि जॉब नहीं देनी है. इसी जगह पर आपको क्या करना चाहिए कि जैसे जॉब कब मिलती है आपको, जैसे आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपने जो कल केसेस लगे हैं उनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो कल केसेस लगे हैं उसके तो आपको वो केस तो आपके सर पड़ रहे होंगे जहां पर आप काम कर रहे हैं. तो जो परसों केसेस लगे हुए हैं, जो डे आफ्टर टुमारो, डे टू डे आफ्टर टुमारो केसेस लगे हैं, आपको वो पढ़ना है, क्योंकि कल फाइल मेन कैबिन में रहेगी जहां पर आपके जो मेंटर हैं, बॉस हैं, वो उसको पढ़ रहे होंगे. तो आपने अगर परसों का केस पढ़ा हुआ है, आप उसके ब्रीफ तैयार रखिए, और कहीं भी अगर आपके मेंटर से आपका इंटरेक्शन होता है, आपके बॉस से अगर आपका इंटरेक्शन होता है जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, आप उनको बोलिए कि सर मैं ये केस ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ और मैं आपको ब्रीफ कर सकता हूँ कल के केस के लिए. तो उनको समझ आएगा कि आप उनके काम को ईज कर रहे हैं. दूसरा, कॉज लिस्ट आपको चेक करनी आनी चाहिए. अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, आपको कॉज लिस्ट वहाँ की चेक करते आना चाहिए. आपके पास डायरी में पहले से होना चाहिए. आप कहीं भी इंटर्नशिप में जा रहे हैं, ऑलरेडी एक महीने की डायरी, आप ऑफिस क्लर्क हैं या जो भी कोई और ऐप अगर वो ऑफिस डील कर रहा है उसमें उसको यूज़ कर रहा है, तो आप पहले से आपके पास में एक महीने के सारे मैटर्स होने चाहिए कि कल ये मैटर लगा है, परसों ये केस लगा है, फ्रेश मैटर्स कौन सा लगने वाला है, सो दैट आपको पूछना ना पड़े, जो भी ऑफिस में जो अथॉरिटी है उनसे पूछना ना पड़े. आप खुद सामने वाली पार्टी को बताएं कि सर कल ये केस लग रहा है और परसों ये केस लग रहा है, और इसमें क्या आपको मैं ब्रीफ कर सकता हूँ या कैसे मैं आपकी इस मामले में मदद कर सकता हूँ. तो अगर आपने जैसे ही ये सेंस आपने अपने बॉस को दिया कि दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, दिस बॉय रियली वॉन्ट टू वर्क हार्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, इंटीग्रिटी है, पंक्चुअल है, तो डेफिनेटली वहां से आपको जॉब मिलने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं. तो बर्डन मत बनिए, काम को ईज करने की कोशिश कीजिए. This is the key formula. और अगर किसी फ्रेश ग्रेजुएट ने आपके पास, जैसे अगर किसी ने अप्लाई करना है, तो उसे कैसे जज किया जाएगा कि यार ये एसेट बनेगा कि लाइबिलिटी बन जाएगा? डेफिनेटली अगर आजकल तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे जॉब नहीं देता है कि सीधे आपको जॉब दे दी. एक से दो महीने की बेसिक असेसमेंट इंटर्नशिप तो आपकी होती है. okay. और उस असेसमेंट इंटर्नशिप्स के दौरान ये पता चल जाता है कि आप बर्डन हैं या आप काम को ईज कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स द फॉर्मूला टू बी गिवन. ओके ओके नाइस. सर अभी जैसे अभी मेरी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई, अगर कोई बहुत अच्छे लॉ स्कूल का नहीं है तो उसको अगर अपना जर्नी स्टार्ट करना है, पैशन है मन में पर चलो 12वीं के बाद उतना मेहनत नहीं किया और अच्छा लॉ स्कूल नहीं निकला, जब भी क्या करेंगे? देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर किसी के पास में टैग नहीं है नेशनल लॉ स्कूल्स का तो उस सिचुएशन पे क्या किया जाए. मुझे जो लगता है कि स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है एक टाइम के बाद, अगर एक नॉन नेशनल स्कूल या प्राइवेट स्कूल लॉ स्कूल का स्टूडेंट अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, द डिफरेंस इज ओनली अबाउट द प्रजम्पशन. अगर कोई भी इंटर्नी मेरे ऑफिस में अगर नेशनल लॉ स्कूल से आता है, किसी और ऑफिस में नेशनल लॉ स्कूल से आता है, तो प्रजम्पशन रहता है कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा. और नॉन लॉ स्कूल्स हैं या प्राइवेट लॉ स्कूल्स हैं या कोई और लॉ स्कूल है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रजम्पशन जनरली सबके दिमाग में रहता है कि इंटेलिजेंट नहीं होगा. तो आपको ये प्रजम्पशन एक रिबटेबल प्रजम्पशन है. आपको इस प्रजम्पशन को आप रिबट कर सकते हैं अपने काम से, अपनी पंक्चुअलिटी से. बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि नेशनल स्कूल के बच्चे आते हैं, कई दिन इंटर्नशिप ही नहीं आते हैं, बिन बताए नहीं आते हैं. तो ये एक नेगेटिव फीडबैक जो उनके फेवर में बहुत बार जाता है. ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे नेशनल स्कूल के बच्चे, बट ऐसा होता है. आप यहाँ पर ये प्रजम्पशंस को रिबट कर सकते हैं बहुत अच्छे से फाइल पढ़ के, बहुत अच्छे से केस को प्रेजेंट करके, एक अच्छी रिसर्च करके. और नेशनल नॉन जो नेशनल स्कूल के बच्चे हैं उनको ये प्रूव करना होता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है. तो आपको ये प्रूव करना है कि वो इंटेलिजेंट है और उनको ये प्रूव करना है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो पंक्चुअल नहीं है. द गेम इज ओनली अबाउट प्रजम्पशन. बट डेफिनेटली आई विल एक्सेप्ट कि इंटर्नशिप जब देनी होती है तो बहुत सारी फर्म्स ये कंसिडर जरूर करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कौन से लॉ स्कूल से पास आउट है. ये प्राइमरी क्राइटेरिया है, बट डेफिनेटली अगर आपके सीवी में उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो कि आपने मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, आपकी इसके पहले आपने ठीक ठाक इंटर्नशिप करके रखी है, और आपके कवर लेटर में और आपके जो एक मेल सेंड करने का जो तरीका होता है कि आपके कॉमन सेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए. जो मैंने आजकल देखा है,
लॉ स्टूडेंट्स जब भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं बेसिक कॉमन सेंस मिस हो रहा होता है. कॉमन सेंस क्या होता है, जैसे आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, आपने वर्ड कॉपी में ही अपना सीवी भेज दिया, वर्ड कॉपी में कवर लेटर भेज दिया, सो इट शुड बी इन पीडीएफ, इट शुड बी जस्टिफाइड. आपने जो जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं आप उस ऑफिस का बैकग्राउंड देखिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे ऑफिस में अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपने लिखा हुआ अपने कवर लेटर में दैट यू आर इंटरेस्टेड इन आईपीआर, यू आर इंटरेस्टेड इन इनकम टैक्स, डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू इंटर्नशिप. सो बेसिक बैकग्राउंड आप चेक करिए ऑफिस में कवर लेटर भेजने के पहले और सीवी भेजने के पहले उस ऑफिस में, कि वो ऑफिस किस पर्टिकुलर फील्ड पे काम करता है. आप बेसिक गूगल कीजिए. फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे अंडर इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपने डाला पवन रेले, आपने गूगल किया, आपको जो भी मेरे जजमेंट्स हैं आपको वो मिल सकते हैं, और अपने कवर लेटर में आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि सर मैंने आपका ये जजमेंट पढ़ा था, मैंने आपका ये इंटरव्यू पढ़ा था और मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ उससे. तो ये चीजें डायरेक्टली क्लिक करती हैं जो बाकी स्टूडेंट्स की सीवी रिफ्लेक्ट. हाँ डेफिनेटली आपका मेल रिफ्लेक्ट करेगा. आपका मेल की बॉडी अगर अच्छी है तो फिर सीवी एक सेकेंडरी चीज बन जाती है. क्योंकि और जनरली देखिए कोई भी व्यक्ति अगर आज कल सीवी भेजता है तो मैं पर्सनली उससे उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल जरूर मांगता हूँ कि उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल सबसे इम्पोर्टेंट है. तो किस तरीके की आप न्यूज शेयर कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में, ये आपकी पास्ट की पर्सनालिटी आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है. तो मेरा ये मानना है कि आप जो भी कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में और फ्यूचर में अपनी सोशल मीडिया साइट्स पे, ये आपका फ्यूचर भी बना सकता है. सो वेरी बी वेरी केयरफुल व्हाट एवर यू पोस्ट. ओके, तो ये मेरा मानना है इवन इन रिलेशन टू गेटिंग इंटर्नशिप एंड इन रिलेशन टू गेटिंग जॉब. ओके, तो जब जैसे लिंक्डइन को पे कोई somebody is working on LinkedIn, so what should they post? कि judgments को post करें अपने your freedom of expression, but make sure that your freedom of expression is going to impact you. Yeah. So you have to find out exactly कि क्या ऐसा डालना है. What will go in your favor? मेरे हिसाब से आप क्या डालना चाहिए आपको, आप पहले determine कर लीजिए कि आपको किस particular office पे focus करने वाले हो या किस पर्टिकुलर फील्ड पे आप फोकस करने वाले हो फ्यूचर पे. अगर आपका इंटरेस्ट हमेशा से इनकम टैक्स में रहा है या टैक्सेशन में रहा है कि आपको टैक्सेशन में आप बहुत अच्छा करना है या सर्विस मैटर में बहुत अच्छा करना है, डेफिनेटली देन यू विल अप्लाई फॉर एनी जॉब विच इज इन रिलेशन टू टैक्सेशन. आप अपने विजन को क्लियर रखिए कि आपको एक साल बाद टैक्सेशन में अप्लाई करना है, तो आप एक साल पहले से टैक्सेशन के पोस्ट डालना स्टार्ट कर दीजिए. आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़िए जिसको आप इंटरप्रेट करिए और लिंक्डइन में आप डालिए कि मैंने मुझे ये लग रहा है कि इसकी एनालिसिस ये होनी चाहिए. तो जब भी कोई टैक्सेशन में आप अप्लाई करोगे उसको आपके एटलीस्ट 6 महीने पुराने पोस्ट जो देखेंगे, ऑब्वियसली को इतना डीप डाउन नहीं जाएगा कि जो 1 साल और 6 महीने की पोस्ट देखेगा, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन में आपका ये पोस्ट आ रहा है टैक्सेशन से रिलेटेड, आईपीआर से रिलेटेड, जिस फील्ड में आप जाने वाले हैं, डेफिनेटली फिर उसको लगेगा कि दिस पर्सन इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन. सो यू हैव टू बी बिट विजनरी इफ यू वांट टू गेट जॉब, इफ यू वांट टू डू इंटर्नशिप. इट्स नॉट कि एक दिन में सब क्रिएट हो गया कि आपने आज सोचा कि मुझे इंटर्नशिप मिल जाएगी और फिर आपने 10 offices में अप्लाई कर दिया कि आप प्लीज मुझे जॉब दे दीजिए और आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में. तो आपको विजनरी बनना पड़ेगा, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू डू. सो एवरीथिंग क्रिएट्स, सो डज नॉट मैटर आप नेशनल स्कूल से हैं, डज नॉट मैटर आप नॉन नेशनल स्कूल से हैं, आपका विजन क्या है, आप क्या पोस्ट करते हैं, आप कैसे सीवी भेजते हैं, आपका कवर लेटर कैसा है, आपका मेल की बॉडी कैसी है, ये सब चीजें मैटर करेंगी आपको इंटर्नशिप और जॉब दिलवाने के लिए. और सर अगर इनिशियल डेज में अगर किसी को यू नो फिगर आउट करना है कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है तो कैसे पता चले? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी मैं बोलूंगा. इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है कि आपका इंटरेस्ट क्या है. कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है, और मैं से डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या है. मुझे भी नहीं पता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है. हाँ मैं अभी प्रेजेंट के इंटरेस्ट आपको बता सकता हूँ. हमारी फील्ड में हमारा इंटरेस्ट क्या है ये हम चूज नहीं करते हैं, हमारे क्लाइंट्स चूज करते हैं. बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जिनका इंटरेस्ट क्रिमिनल था, बट दे आर कंसीडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट एडवोकेट एंड काउंसिल इन द फील्ड ऑफ सिविल. देर आर सो मेनी एडवोकेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बट दे आर नॉट नोन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बट दे आर नोन फॉर क्रिमिनल लॉ. तो अगर आज मैं एक क्रिमिनल लॉयर, मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं क्रिमिनल लॉ पढ़ूं, लेकिन मुझे एक सर्विस मैटर मिलता है जिसमें मैं रिलीफ दिलवा देता हूं अराउंड 4,000 to 5,000 लोगों को, तो वो जो लोग हैं वो एक एडवर्टाइजमेंट का काम करेंगे. और अगर मुझे कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि सर मैं आपको 10 lakh rupees दूंगा और आप प्लीज आपको मेरा ये सिविल का केस करना है, मुझे कितना भी इंटरेस्ट है क्रिमिनल का और अगर मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन लाइक इन एनी फील्ड, मुझे अगर कोई 10 lakh rupees देता है या मुझे ऐसा लगता है कि
इस पर्टिकुलर चीज में ये केस में बहुत ज्यादा एक कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस वारंट करती हैं कि ये बहुत अच्छा किया जा सकता है, मैं इमीडिएटली अपना इंटरेस्ट डील कर लूंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज बहुत सारी फर्म है जो स्पोर्ट्स लॉ में काम कर रही है, बहुत सारी फर्म है जो स्पेस लॉ में काम कर रही है। जब वो व्यक्ति जो भी उसके फाउंडर हैं, जब वो व्यक्ति अपने लॉ स्कूल में थे या उन्होंने एक स्टार्ट किया होगा प्रैक्टिस, क्या उनका इंटरेस्ट स्पेस लॉ रहा होगा? नॉट नेसेसरी, है ना। और क्या उनका इंटरेस्ट कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है? जब तो डेवलप ही नहीं हुआ था ना, exactly. तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट समय के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज होता है। तो अभी आप कोई अपना इंटरेस्ट मत फोकस करिए, आप बस चीजें पढ़िए। जैसे मैंने एक जजमेंट पढ़ा और मुझे लग रहा है कि ये जजमेंट मेरी कोई पास्ट की स्टडी है, उससे ये जजमेंट काउंटर हो सकता है, उससे ये जजमेंट मेरी एनालिसिस ये बोलती है, तो आप उसकी एनालाइज करिए। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, आप उसको जितना डीप डाउन पढ़ते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में क्रिएट होता जाएगा। तो मुझे, मेरे हिसाब से, आप जब एज अ लॉयर बनते हैं, आप सारी फील्ड में, आप स्टार्टिंग में आपको काम करना चाहिए। लेट पीपल डिसाइड योर इंटरेस्ट, लेट पीपल डिसाइड योर फील्ड, मेरा ये मानना है। अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो सीधा, जैसे देर आर पीपल हु गो आफ्टर बिग नेम्स एंड बिग नेम्स आर जनरली प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, सो शुड दे गो फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली? अगेन सी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन मैं कहूंगा कि डायरेक्टली किसी को सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और आपके पास कोई और पॉलिटिकल जुगाड़ नहीं है, आपके पास, मैं बहुत ब्लंट रहूंगा इस पर्टिकुलर फील्ड पे, आपकी लॉबीज पहले से क्रिएटेड नहीं है, आपके पास बैकअप नहीं है, डेफिनेटली यू शुड नॉट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट। आई एम नॉट सेइंग देयर आर सो मेनी पीपल हु स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड डूइंग वेल, डूइंग वंडर्स, बट हम किसी एक व्यक्ति को एक्सेप्शन मान के अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें जनरल प्रोबेबिलिटीज देखनी चाहिए। अगर 100 में से 100 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में काम करना स्टार्ट किया डायरेक्टली, तो कितने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से प्रैक्टिस करना छोड़ दिया? जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली स्टार्ट करना काम किया और एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर काम किया, कोई बैकअप नहीं था, 3 से 4 साल बाद जैसे स्टार्ट करते हैं तो आपको पैसा मिलता है 25 से 35 हज़ार रुपये, 25,000 से 35,000 रुपीज़। अभी वो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आते आते, समय के आते आते, वो पैसा कम लगने लगता है। पैसे बढ़ते नहीं हैं, ओके, और बढ़ेंगे भी तो 5 से 10 हज़ार बढ़ेंगे, लेकिन खर्चा आपका 50 हज़ार बढ़ जाएगा। और फिर टाइम आता है, क्योंकि आपने लोअर कोर्ट का काम नहीं सीखा है, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप फील करने लगेंगे लोअर कोर्ट में अपियर होने के लिए, क्योंकि आपने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने अपियर हुए हैं। सो ऑब्वियसली यू विल फील बैड, यू नो, गेटिंग स्क्रीम्ड बाय और गेटिंग रेप्रीमेंडेड बाय द मैजिस्ट्रेट, गेटिंग रेप्रीमेंडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, वो ईगो सामने आने लगता है, फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने नहीं जाते हैं। एक कंफर्ट जोन बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का, प्रगति मैदान का, कि आपको जाना है, वापस आना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे प्रैक्टिस करना जब मुश्किल हो जाता है और क्लाइंट्स फिर डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आपके पास आएंगे, तो बहुत मुश्किल होता है उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो जब आप मैटर्स नहीं ले पाएंगे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के, तो अपने आप को फिर मैनेज कर पाना उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है। देन पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर सम जॉब इन पीपीओ, दिस एलपीओज, ओके, देन द पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स इन लॉ फर्म्स। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है 4 से 5 सालों का प्रैक्टिस का, वो सब खराब हो जाता है, बर्बाद हो गया ना, बर्बाद हो गया, एंड देन पीपल स्टार्ट गोइंग इन डिप्रेशन। तो मेरे हिसाब से जो अच्छा वे आउट है किसी भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए, क्योंकि कुछ सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चीजें हैं कि अगर हाई कोर्ट में से कोई मैटर आ रहा है तो पिछले 25 सालों से वो किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस में ही वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो उस चीज को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। और देखिए 100% में 97-98% मैटर्स वही रुक जाते हैं, ओनली 2% मैटर्स जो है सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो खुद के क्लाइंट मिल पाना भी बहुत मुश्किल है, फिर उस पर्टिकुलर ऑफिस की जो लिंक्स है उनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल चतुर्वेदी साहब के ऑफिस जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में पिछले 20 सालों से, किसी के मैटर्स अगर हाई कोर्ट से आ रहे हैं, तो कोई क्यों रेले साहब के पास जाएगा? तो उस पर्टिकुलर चीज को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से आप लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, काम सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं सीखे, आप एट द सेम टाइम सब जगह, मैंने हर एक कोर्ट में काम करना स्टार्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, सिविल, क्रिमिनल, लेबर, कंज्यूमर, एनसीडीआरसी, एनसीएलटी, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर काम नहीं किया हो। तो आप स्टार्टिंग के 10 साल आप बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर लीजिए, आपको कोई भी जज नहीं करेगा इन योर कमिंग 10 इयर्स। तो आप नीचे वाले कोर्ट से स्टार्ट कीजिए, आप हर जगह प्रैक्टिस करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीचे वाले कोर्ट से स्टार्ट कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी मिलती है, आप डेफिनेटली यू डू इट, हाई कोर्ट का रिट पिटीशन मिलता है, डेफिनेटली यू डू इट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं सीखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक आर्ट नहीं सीखेंगे ट्रायल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमेशा काम आएगा आपके। सर जैसे अब
अब सारे तो टियर वन सिटीज़ के होते नहीं है, नॉट एवरीबडी इज़ वेरी गुड एट इंग्लिश, बट इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल आ ही जाता है. डेफिनेटली. तो एक मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, तो उसे कैसे तोड़ा है, कैसे तोड़ा जाए उसे? देखिए, लैंग्वेज की बैरियर को ब्रेक कर पाना मेरा ऐसा पर्सनल मानना, क्योंकि मैंने खुद, मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पास आउट था, पन्ना डिस्ट्रिक्ट से. मेरे स्कूल का नाम था महारानी दुर्गा राव लक्ष्मी विद्या मंदिर पन्ना. कंप्लीटली हिंदी मीडियम स्कूल था. बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. लैंग्वेज अगर आपको इम्प्रूव करनी है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, तो आप बहुत बार रो देंगे इंग्लिश इम्प्रूव करते करते. इट्स नॉट ईजी एट ऑल. इट्स वेरी 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 टफ. एंड द फाइट आपको जो करनी है वो आपसे ही करनी है. आप थक जाओगे अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते करते. लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे आपके ऊपर, बट हंसने दीजिए आप लोगों को आपके ऊपर. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अब कैसे इम्प्रूव करनी है, आप जो मेरी सजेशन है और जो मैं सबको देता हूँ, जैसे मैंने जो की है, पहली बात, आप सबसे पहले आप रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव कीजिए. आप दिन में कम से कम, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो आप 2 घंटे, एटलीस्ट 2 आवर्स आप पूरे दिन में से लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए निकालिए. टेंसेस मॉड्यूल्स पढ़िए, आप जो भी होते हैं, आप टेंसेस पढ़िए, वॉइस पढ़िए. इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है, लाउडली पढ़ना है. और अगर आप लॉ कर रहे हैं, तो आप जजमेंट उठाइए, जजमेंट को पढ़िए, आप लाउडली पढ़िए. तो जजमेंट पढ़ने से आपकी बेसिक ड्राफ्टिंग अच्छी होगी, आपकी लीगल इंग्लिश बहुत अच्छी होगी. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वेरी गुड इन स्पीकिंग जनरल इंग्लिश, बट दे आर नॉट वेरी गुड इन स्पीकिंग लीगल इंग्लिश. तो आपको लीगल इंग्लिश इंप्रूव करनी है. तो आप जब जजमेंट पढ़ते रहेंगे रोज 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक, और चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे, तो वो ब्रेविटी लॉ में, लॉ की लैंग्वेज आपके ऊपर हावी होना स्टार्ट हो जाएगी. और एक दिन आएगा जब आप 6 से 8 महीने के बाद अपने आप में खुद पर्सनालिटी में डिफरेंस आप देख पाओगे, क्योंकि एट द सेम टाइम आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो रही होगी, आपकी ड्राफ्टिंग इंप्रूव हो रही होगी, आपकी लीगल इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही होगी. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी डन. स्पीक लाउडली व्हेन यू रीड जजमेंट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं, बट लाउडली पढ़ना भी, आप 1 घंटा निकालिए कि आपको जजमेंट्स को तेज तेज चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है. दूसरे सुन रहे हैं, आप सुनने दीजिए. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव टू इंप्रूव इंग्लिश. सर, अब लास्ट में, इफ आई कैन आस्क, एक जनरिक एडवाइस जो आप बच्चों को देना चाहेंगे लॉ स्कूल में जो है, या जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं. मेरी जो जनरल एडवाइस है वो ये है कि पैसे में फोकस करना बंद कर दीजिए. आजकल मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में और सोशल मीडिया में वीडियोस देख रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति को ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि लॉ में बहुत ज़्यादा पैसा है. डेफिनेटली है, लेकिन आप पैसे पे अगर फोकस करेंगे और लॉ करेंगे, आप डूब जाएंगे. आपको अगर लॉ करनी है, डेफिनेटली यू विल अर्न मनी, बट पैसे को और अर्निंग को आप साइड में रखिए. आपको बहुत पैसा आएगा फ्यूचर में, अगर आप बहुत अच्छा काम करेंगे डेफिनेटली आएगा, बट दैट शुड बी सब्सिडियरी. विजन आपका लोगों की हेल्प करना होना चाहिए. विजन आपको, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. विजन आपका होना चाहिए कि आपको इस फील्ड में क्या करना है और कितना बड़ा करना है. पैसा उसके पीछे पीछे चलेगा, लेकिन अगर आपने पैसे को आगे रख लिया और उसके पीछे आप भागना स्टार्ट करोगे, आप अपना पूरा काम स्टार्टिंग से खराब कर लोगे. आप अपनी इंटीग्रिटी को लूज कर जाओगे, आप अपनी ऑनेस्टी को लूज कर जाओगे. एंड प्लीज रिमेंबर दैट इन दिस प्रोफेशन, ऑनेस्टी अगर एक बार लूज हो जाती है, इंटीग्रिटी अगर एक बार लूज हो जाती है, वो हमेशा के लिए लूज हो जाती है. आप उसको रिकवर, उस डैमेज को रिकवर नहीं कर सकते. बहुत सारे, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. जब हम लोग पास आउट हुए थे लॉ स्कूल से, तो मेरा एक दोस्त था, उसने पैसे के चक्कर में एक किसी की विल बनाई. जनरल जो चार्जेस उस टाइम पे लोग लेते थे विल बनाने के, वो लेते थे 5,000. तो उसने एकदम से, उसको लगा कि कोई क्लाइंट बहुत अच्छा मिल गया, तो उसने सीधे किसी से 25,000 रुपये ले लिए. अच्छा, विल बनाने के. और जनरल जो चल रहा था वो देखिए बन जाती है विल. हाँ, बनाना विल कोई तो बहुत बड़ी बात नहीं होती. हाँ, सिंपल प्रॉपर्टीज की. तो लोग उस टाइम पे 5,000 रुपये ले रहे थे. तो जब वो 25,000 रुपये उसने लिए, और पार्टी को जब बाद में पता चल गया, देखिए पता चल ही जाता है अगर आप कुछ भी गलत काम करते हैं, तो पता चल ही जाता है. जब पता चल जाता है कि इतने में काम होता है और आपने बहुत ज्यादा लिया है, तो आप का नाम स्टार्टिंग से खराब हो गया. और ये नाम जब आपका खराब होना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं, वो वकील साहब तो एकदम लूट लेते हैं. तो ये सब अगर टैग आपने स्टार्टिंग से ही लगवा लिए, फिर आपका ग्रोथ हो पाना, आगे जा पाना बहुत मुश्किल है. सो बी हम्बल, बी नॉर्मल, ट्रीट योर जूनियर्स वेल, ट्रीट योर एसोसिएट्स वेल, रिस्पेक्ट पीपल एंड डू नॉट थिंक अबाउट मनी. आई एम नॉट सेइंग, अगेन लेट मी बी वेरी क्लियर, व्हेन आई से डू नॉट थिंक अबाउट मनी, आई एम नॉट सेइंग दैट यू अलाउ योर सेल्फ टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय योर सीनियर्स, एक्सप्लॉइटेड बाय योर कलीग्स. डेफिनेटली यू शुड नो योर वर्थ. आपको अपने काम की वर्थ पता होनी चाहिए. उसको इक्वलाइज करके आप डेफिनेटली रिस्पेक्टेबल अमाउंट लीजिए. बट ये पागलपन हो जाना कि वह मर्सिडीज में अभी आज ही चाहिए है, और जैगवार आज ही चाहिए है, और एकदम 4 गाड़ियाँ पीछे चल रही हैं. होल्ड इट फॉर सम टाइम, ऑल दीज थिंग्स विल कम, टाइम विल कम. So I think this is what I wanted to convey. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.